हेलो एवरीवन, तो हम वापस आ चुके हैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। दिस इज नेक्स्ट पार्ट इन कंटिन्यूएशन विद। हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था कि आप कैसे जो है अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो और कैसे अर्न करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हम एक मास्टर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्पाइट ऑफ योर नीश, डिपेंड नहीं करता आपकी क्या स्किल है, आपने क्या सीखा हुआ है, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, कॉन्टेंट डिजाइनर हो, जो भी हो, ये चीज़ जो है आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ अपने पूरे मन से कि आप ये चीज फॉलो करो और आपको इसके रिजल्ट पॉजिटिव देखने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। और अगर नहीं मिलेंगे रिजल्ट तो भी इसमें कोई घाटा नहीं है, आपका एक पोर्टफोलियो बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आई होप आप इस सीरीज पे आए हो तो कंटिन्यू कर रहे होगे। और डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, यार अभी तक जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। पर जितने भी लोग हैं, जो और आपके दोस्त हैं, उनमें आप बांटते जाओ ये सारा नॉलेज जो है, ये सीरीज जो है इसको शेयर करना, इसकी प्लेलिस्ट को शेयर करना। कम्युनिटी टैब में जो है मैंने अभी यहाँ पर इसका पोस्ट डाला हुआ है, वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे टैग करो यार अगर कुछ सीखते हो इस वीडियो से, और इस प्लेलिस्ट को थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। @ruchiraj576 आप यहाँ पर जाकर टैग कर सकते हो। तो अभी बिना किसी देर के चलते हैं वापस और स्टार्ट करते हैं हमारे सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो यार ये जो मास्टर स्ट्रैटेजी है, ये है ग्रोथ के लिए, ठीक है, एज अ पर्सनल ब्रांड और आपकी जो चीज़ है उसके लिए। और प्लस ये आपको क्लाइंट्स भी ला करके देगी और ये आपकी एक जो है साइड हसल भी बन सकती है। तो ये चार पांच चीज़ें आपको करके दे रही होगी। ये जो प्लेटफॉर्म है जिसपे कि हम ये चीज़ करने वाले रहेंगे वो है इंस्टाग्राम। मैं किसी और प्लेटफॉर्म को चूज़ इसलिए नहीं करी हूँ क्योंकि ग्रोथ जो है इंस्टाग्राम पर मिलना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप यूट्यूब पर स्टार्ट करने जा रहे हो हल्का सा मुश्किल होगा, और किसी प्लेटफॉर्म पर हल्का सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर जो है 100% ये चीज़ काम करने वाली है और आपकी ग्रोथ भी जल्दी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मेनली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका काम शोकेस होगा, ठीक है, आपका काम दिखेगा। अभी मैटर नहीं करता कि आप वेबसाइट डेवलपर हो, तो आप अपना जो वेब डिजाइनिंग का प्रोसेस है, छोटे छोटे कोड्स हैं या जो आपने बीच में उसमें ट्रिक्स यूज किए हैं, जो आपका तड़का है उसमें करना चाहिए, जो आप डिजाइन कर रहे हो वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप अपनी डिजाइनिंग प्रोसेस शेयर कर सकते हो, अपने टूल्स शेयर कर सकते हो, अपनी ट्रिक्स शेयर कर सकते हो। कॉन्टेंट राइटर हो तो आप अपनी टिप्स शेयर कर सकते हो, अपनी ट्रिक्स शेयर कर सकते हो, अपना एक बढ़िया सा पीस लिखा हुआ कंटेंट का वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। अभी कैसे करना है वो सब मैं आपको बताती हूँ। मैंने सिर्फ बताया कि ये एक इंसान के लिए नहीं है, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए वैलिड है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अभी बात करते हैं यार कि हमें करना क्या है। तो आपको जो है आपकी ब्रांड, जो भी आपका नाम रहेगा, जो आप सब जगह रखोगे वही रखो, हो सकता है आपका खुद का नाम हो या फिर आपका ब्रांड का कोई नेम हो। प्लस आप एक अपनी अच्छी सी प्रोफेशनल फोटो डाल सकते हो उसमें, ठीक है, वो आपका पोर्टफोलियो की तरह भी काम कर रहा होगा, प्लस वो जो है आपकी कम्युनिटी को ग्रैब करने में भी आपकी हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करने वाले हैं, हमको एक फॉर्मूला अपनाना है 90 डेज के लिए, ठीक है। तो 90 डेज में आपका पोर्टफोलियो बनके तैयार होगा, प्लस आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे, प्लस काफी सारी चीजें हो रही हैं, प्लस 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 ये है उसमें, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना है 90 डेज के लिए चार्ट बनाना है, प्लान बनाना है। अपने कहना चाहिए एक पेपर कॉपी लेकर के बैठ जाओ और मास्टर स्ट्रैटेजी हेडिंग दे दो। आपकी जो भी कैटेगरी है, मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर ग्राफिक डिजाइनर, मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर कंटेंट राइटर, जो भी आपको लिखना हो ये मास्टर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो अभी 90 डेज क्या करना है यार, फर्स्ट डे जो रहेगा आपका इंट्रोडक्टरी रहेगा, आप क्या करते हो, आप अपना जो भी है वो सारा कुछ अच्छे से डाल करके बायो में अपना ऑप्टिमाइज्ड बायो रखना यार। और ऑप्टिमाइज्ड बायो में जो है आप जो करते हो, आप जो करने वाले हो, जो चीज़ें शेयर करने वाले हो, तीन लाइन में बढ़िया तरीके से सिंबल्स या आइकन्स का यूज़ करते हुए उसको क्लासीफाई कर दो, उसको जस्टिफाई कर दो उधर पर, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑप्टिमाइज प्रोफाइल लिख ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब पोस्टिंग की बारी आती है, जो मेन चीज़ें हैं वो करनी है। क्या पोस्ट कर सकते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है, टिप्स और ट्रिक्स, आपका काम, ट्रांजिशन, ये वो, और ट्रेंडिंग ऑडियो डाल सकते हो, नहीं तो अपना ऑडियो डाल सकते हो कि मैंने कैसे किया, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो, या फिर और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। आप ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप बताओ आप क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ आइडियाज़ आपके लिए लिस्ट किए हैं। इसके अलावा आपको करना क्या है यार, आपको तीन पोस्ट डालनी है दिन में, ठीक है। अभी सुनने में ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, फर्स्ट मंथ आप थ्री पोस्ट कंटिन्यू करोगे, ठीक है। मॉर्निंग में एक 10 AM पे, 10 to 11 AM के बीच में एक जो है आप इवनिंग में कर सकते हो, और एक नाइट में कर सकते हो 8 to 10 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से तीन शिफ्ट बनाओगे यार, और हर दिन तीन पोस्ट डालोगे। तीन पोस्ट सेम नहीं होने वाली हैं आपकी, जो है आप मॉर्निंग में रील डाल सकते हो, ठीक है, उसके बाद ताकि टाइम ज़्यादा स्पैन मिलेगा, नहीं तो नाइट में रील डाल सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग या नाइट या इवनिंग में से किसी भी एक टाइम को सिलेक्ट कर लो कि आप कहाँ कब रील डालोगे। मेरे हिसाब से इवनिंग और मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है रील के लिए। इसके बाद आपको एक पोस्ट डालना है और एक कार्सल डालना है, ठीक है। अभी जो है वो मल्टीपल पोस्ट वाला जो है वो कैसे आपको डालना है, उसमें जो है आप अपने कोई भी 7 tips फॉर बिगिनर्स या 7 tips दैट आई लर्न इन माई जर्नी, इस तरीके से कर सकते हो। इस तरीके से आपको डालते जाना है। इसके अलावा आप जो रील डालोगे उसमें आपने जो सीखा उस दिन या आपने जो प्रैक्टिस की या आपने पहले
दिन जो है अपना काम जो भी आपने किया कोई इफेक्ट हो सकता है, कोई नई चीज़ हो सकती है, उसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाने वाले रहोगे आप तो उसको डाल सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कैमरे से शूट करो, हल्का सा ऑडियो डाल दो, सिंपल प्रोसेस है 30 सेकंड के अंदर, और उसके बाद उसको डाल दो और बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 90 डेज के लिए करना है। पहले मंथ में जो है आपको तीनों टाइम डालना है, दूसरे मंथ और तीसरे मंथ में आपको सिर्फ दो टाइम ही डालना है, मॉर्निंग और इवनिंग, या मॉर्निंग और नाइट आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर फर्स्ट मंथ लिए आपको 3 टाइम पोस्ट करना है। इस तरीके से जो है जब आप डालते जाओगे करते जाओगे यार, आपके पास 90 डेज के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, आपके पास आपकी खुद की एक कम्युनिटी होगी, प्लस आप अपने टाइप के लोगों से जुड़ोगे, आपके टाइप के क्लाइंट से जुड़ोगे, और जब आप उस अकाउंट से किसी स्टार्टअप को, या जब आप उस अकाउंट से किसी कंपनी को, या जब आप उस अकाउंट से किसी पर्सन को मैसेज करोगे, तो एक कहना चाहिए वैलिडेशन आता है, थोड़ा सा ट्रस्ट आता है, और उसके बाद वो आपको रिप्लाई भी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं यार, ठीक है। स्पैम मैसेजेस आजकल बहुत हो रहे हैं इस कारण, और आप जब उसके बाद जो है आप मैसेज करोगे किसी को कि हम ये सर्विस ऑफर करते हैं, वो सर्विस ऑफर करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी वही चीज़ बोल रहा होगा, और आपकी जो है प्रोफाइल भी उस चीज़ के बारे में बोल रही होगी, और आपको वो बोलेगा भी नहीं कि आप पोर्टफोलियो देखा, आपका सारा काम वहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, और इसके अलावा आप एक ऑडियंस भी बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो हो सकता है उसमें से ऑडियंस में से आपको कोई बोले कि आपने कैसे किया वैसे किया, आप वर्कशॉप्स अरेंज कर सकते हो उसी टाइम पे, तो आपका एक साइड हसल बन जाएगा, साइड अर्निंग सोर्स बन जाएगा, क्योंकि उस टाइप के लोग ही आपसे कनेक्ट होंगे जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो एक टारगेटेड नीश पकड़ो यार, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनाओ, पर्टिकुलरली कंसिस्टेंसी से एक रील्स बनाओ, और बाकी सारी चीज़ें पोस्ट करो, और ये 90 डेज के अंदर जो है आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, और बस कंसिस्टेंसी का ही सारा खेल है यार, और आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। आप जो चीज़ सीख रहे हो, आपने जो भी सीखा है, आपको खुद को मजा आएगा जब आप इस तरीके से करते जाओगे, ठीक है। तो मैं आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, दिस इज़ अ मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ यू, और मैं जो है दिल से चाहती हूँ कि आप लोग इनको इसको फॉलो करो। इसका ना कुछ ड्रॉबैक नहीं है, सारा कुछ फ़ायदा होने वाला है। इसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब आप करना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ज़रूरी है किसी भी फ्रीलांसर के लिए, या किसी भी फील्ड के फ्रीलांसर के लिए, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट आपकी क्या नीश है, क्या स्किल है, पर आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की जो उसके फ्रीलांसिंग की चीज़ें हैं, पेमेंट मेथड्स हो गई, उन सब के बारे में बात करें होंगे कि क्या क्या पेमेंट मेथड्स हैं, कैसे कैसे ले सकते हो। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और अगर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है इस फ्रीलांसिंग सीरीज़ के लिए, तो प्लीज़ ड्रॉप रेड हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मुझे पता चले कौन कौन बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।